विधानसभा क्षेत्र में, और इसी विधानसभा क्षेत्र से नंदनी सरकार जिला परिषद हैं और भाजपा की नवगछिया जिला इकाई महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी और वर्तमान में महिला मोर्चा की प्रभारी है। तो इनसे जानेंगे कि जिला परिषद के काल में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है और सबसे पहले राजनीति में आने की इच्छा शक्ति कैसे हुई, क्यों आई, आई तो भाजपा में ही क्यों आई? मैडम, राजनीति में आने का कैसे इच्छा दे दिया? राजनीति में हम एक बचपन से हैं। जब मेरा उम्र 13 साल का था, हम लोग कोसी के इस पार बसे हुए थे और कोसी के इस पार बहुत कष्ट था हम लोगों का। हम लोगों ने बहुत कष्ट को भोगा। उसके बाद धरना प्रदर्शन करके हमने यहाँ एक पक्का पुल बनवाया और हम लोग एक बचपन से सामाजिक कार्य में रुचि लिए हैं, जनता के दुख सुख में शामिल हुए हैं। उसके बाद हमें अचानक इच्छा शक्ति जगी कि हम राजनीति में आए, तभी हम जनता का और सेवा कर सकेंगे और विकास कर सकेंगे समाज का। और हम 2016 में चुनाव लड़े और जनता ने हमको भरपूर मत दिया, हम जिला परिषद बने। उसके बाद हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ऐसे काम किए जहाँ कि हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या थी, आवागमन की समस्या थी, फोर लाइन की समस्या थी, भू अर्जन की समस्या थी, अनेकों ने हमने काम किया। शिक्षा का, हम अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधारा, स्वास्थ्य को सुधारा। उसके बाद 2016 में जिला परिषद बनने के बाद जब हमारा सरकार नहीं सुनता था तो हम धरना पर भी बैठे थे और जिसमें हमारा 3-4 मांग था वो पूरा भी हुआ। मुख्य कार्य क्या क्या रहे हैं जिला परिषद कार्य के? जिला परिषद के कार्य के हम लोगों ने रोड बनाया, गली नाली का काम किया, यही सब काम किया। और जिला परिषद के दरमियान में जब से हम लोग जिला परिषद बने तो हम लोगों का अब दुर्भाग्य कहिए जो कहिए, सृजन घोटाला हो गया, जिसके कारण हम लोगों ने कुछ बाधित हुए हम लोग, लेकिन उस बाधा से निकल गए। काहे कि हम लोग जो हैं एक बचपन से लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्रांतिकारी हैं, और लड़ाई लड़के पदाधिकारी ने भी हम लोगों का सुना और जो जो हम लोगों का समस्या था इस बार में या हमारे क्षेत्र में उस चीज को हम लोगों ने पूरा करवाया। भारतीय जनता पार्टी में हम जिला परिषद जीतने के बाद आए। किन किन पदों पर भारतीय जनता पार्टी में अपने योगदान? भारतीय जनता पार्टी में हम जब पार्टी में आए तो जिला अध्यक्ष बने महिला मोर्चा नवगछिया। उसके बाद अभी प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी। इसके इस कोरोना महामारी में आपने अपने जिला परिषद क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए कोरोना काल में? जब से मैंने कोरोना आया तो आदमी इतना, हमारे क्षेत्रवासी इतना घबरा गए थे, हम लोगों ने उनको संभाला, उनको खाना पहुंचाया, उनको दवाई पहुंचाया, उनको जागरूक किया कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। और हमारा अभी जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सुरक्षित। मास्क वगैरह का वितरण किया गया? जी। क्षेत्र में कितने मास्क आपके द्वारा वितरण किया गया? हमारे द्वारा लगभग 15,000 मास्क। 15,000 मास्क। और सैनिटाइजर कितने गांव में? सैनिटाइजर हम लोगों ने 25 गांव में बांटा। 25 गांव। और साबुन कितना बांटा होगा? साबुन हम लोगों ने बांटा। साबुन पंचायत की तरफ से बांटा। पंचायत की तरफ से बांटा गया। 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने, आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा कार्य किया गया है? अब हम लोगों का दुर्भाग्य सर, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, वो तो जनता से ओपिनियन लिया जाए। आप एक जिला परिषद हैं, आपके जिला परिषद के क्षेत्र में माननीय विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य किए? माननीय विधायक तो कभी दिखाई नहीं देते। माननीय विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए आपके जिला परिषद क्षेत्र? कुछ किए गए हैं? अभी तक तो नहीं किया गया है। नहीं किया गया जी। क्षेत्र में जनता के मन में या आपके मन में क्या लगता है कि कुछ कार्य उनको करने चाहिए थे क्षेत्र में जनता के लिए?
बिल्कुल करने चाहिए थे सर। कोरोना काल में कुछ कार्य किए गए हैं उनके तरफ से? तो हमको तो नहीं ऐसा कोई मैसेज आया है या हम नहीं कहीं देखे हैं उनके तरफ से। आपको क्या लगता है आपको चुनाव लड़ना चाहिए गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो राजनीति में हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, और जब तक चुनाव लड़ेंगे नहीं जनता के बीच आएंगे नहीं तो उनकी समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आपकी इच्छा है किस बार चुनाव लड़ें? बिल्कुल सर। किस पार्टी? अभी तो हम लोग भाजपा में हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है, अभी तो यहाँ जदयू का सीट बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं नंदन। आज हम लोग गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र से नंदनी सरकार जिला परिषद हैं और भाजपा की नवगछिया जिला इकाई महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी और वर्तमान में महिला मोर्चा की प्रभारी है। तो इनसे जानेंगे कि जिला परिषद के काल में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है और सबसे पहले राजनीति में आने की इच्छा शक्ति कैसे हुई, क्यों आई, आई तो भाजपा में ही क्यों आई? मैडम, राजनीति में आने का कैसे इच्छा जगी? राजनीति में हम एक बचपन से हैं, जब मेरा उम्र 13 साल का था हम लोग कोसी के इस पार बसे हुए थे और कोसी के इस पार बहुत कष्ट था हम लोगों का, हम लोगों ने बहुत कष्ट को भोगा। उसके बाद धरना प्रदर्शन करके हमने यहाँ एक पक्का पुल बनवाया और हम लोग एक बचपन से सामाजिक कार्य में रुचि लिए हैं, जनता के दुख सुख में शामिल हुए हैं। उसके बाद हमें अचानक इच्छा शक्ति जगी कि हम राजनीति में आए तभी हम जनता का और सेवा कर सकेंगे और विकास कर सकेंगे समाज का। और हम 2016 में चुनाव लड़े और जनता ने हमको भरपूर मत दिया, हम जिला परिषद बने। उसके बाद हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ऐसे काम किए जहाँ कि हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या थी, आवागमन की समस्या थी, फोर लाइन की समस्या थी, भूअर्जन की समस्या थी, अनेकों ने हमने काम किया। शिक्षा का हम अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधारा, स्वास्थ्य को सुधारा। उसके बाद 2016 में जिला परिषद बनने के बाद जब हमारा सरकार नहीं सुनता था तो हम धरना पर भी बैठे थे और जिसमें हमारा 3-4 मांग था वो पूरा भी। मुख्य कार्य क्या क्या रहे हैं जिला परिषद कार्य के? जिला परिषद के कार्य के हम लोगों ने रोड बनाया, गली नाली का काम किया, यही सब काम किया। और जिला परिषद के दरमियान में जब से हम लोग जिला परिषद बने तो हम लोगों का अब दुर्भाग्य कहिए जो कहिए सृजन घोटाला हो गया, जिसके कारण हम लोगों ने कुछ बाधित हुए हम लोग, लेकिन उस बाधा से निकल गए। काहे कि हम लोग जो हैं एक बचपन से लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्रांतिकारी हैं, और लड़ाई लड़ के पदाधिकारी ने भी हम लोगों का सुना और जो जो हम लोगों का समस्या था इस पार में या हमारे क्षेत्र में उस चीज को हम लोगों ने पूरा करवाया। भारतीय जनता पार्टी में तो? भारतीय जनता पार्टी में हम जिला परिषद जीतने के बाद आए। किन किन पदों पर भारतीय जनता पार्टी में अपने? भारतीय जनता पार्टी में हम जब पार्टी में आए तो जिला अध्यक्ष बने महिला मोर्चा नवगछिया, उसके बाद अभी प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी। प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी। इसके बाद इस कोरोना महामारी में आपने अपने विधान अपने जिला परिषद क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए कोरोना काल? कोरोना काल में जब से मैंने कोरोना आया तो आदमी इतना हमारे क्षेत्रवासी इतना घबरा गए थे, हम लोगों ने उनको संभाला, उनको खाना पहुँचाया, उनको दवाई पहुँचाया, उनको जागरूक किया कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। और हमारा अभी जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सुरक्षित है। मास्क वगैरह का वितरण किया गया? जी जी। क्षेत्र में कितने मास्क आपके द्वारा वितरण किया गया? हमारे द्वारा लगभग 15,000 मास्क। 15,000 मास्क। और सैनिटाइजर कितने गांव में? सैनिटाइजर हम लोगों ने 25 गांव में बांटा। 25 गांव। और साबुन कितना बांटा होगा? साबुन हम लोगों ने साबुन पंचायत की तरफ से बांटा। पंचायत की तरफ से बांटा। 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने, तो
आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा कार्य किया गया है? अब हम लोगों का दुर्भाग्य सर, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, वो तो जनता से ओपिनियन लिया जाए। आप एक जिला परिषद है, आपके जिला परिषद के क्षेत्र में माननीय विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य किए? माननीय विधायक तो कभी दिखाई नहीं देते। माननीय विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए आपके जिला परिषद क्षेत्र? कुछ किए गए हैं? अभी तक तो नहीं किया गया है। नहीं किया गया जी। क्षेत्र में जनता के मन में या आपके मन में क्या लगता है कि कुछ कार्य उनको करने चाहिए थे क्षेत्र में जनता के लिए? बिल्कुल करने चाहिए थे सर। कोरोना काल में कुछ कार्य किए गए हैं उनके तरफ से? तो हमको तो नहीं ऐसा कोई मैसेज आया है या हम नहीं कहीं देखे हैं उनके तरफ से। आपको क्या लगता है आपको चुनाव लड़ना चाहिए गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो राजनीति में हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, और जब तक चुनाव लड़ेंगे नहीं, जनता के बीच आएंगे नहीं, तो उनकी समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपकी इच्छा है किस बार चुनाव लड़ें? बिल्कुल सर। किस पार्टी? अभी तो हम लोग भाजपा में हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है, अभी तो यहाँ जदयू का सीट बन रहा है। अगर पार्टी जदयू के खाते में सीट देके चुनाव लड़वाते हैं किसी को, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में तो हम लोग पार्टी के हैं तो पार्टी को मदद करना हमारा काम है। हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ चुनाव अलग से नहीं लड़ना है ना, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी विरोधी काम नहीं करेंगे। चलो दीजिए, पार्टी विरोधी कार्य नहीं करेंगे। पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, उन्हें चुनाव जिताकर यहाँ से विधानसभा में भेजेंगे और यहाँ की जन समस्याओं को उनके द्वारा उठाएंगे। इस 5 साल में जो भी समस्याएं रह गई होगी उनको इस बार जीते हुए प्रतिनिधि से करवाना है और आवाज़ उन विधानसभा की आवाज़ को विधानसभा के पटल पर रखना है।